हज़रत पीर सखी तुर्त मुराद अरायल नसल थे। आपके अबाऊ अजदाद का पेशा ज़मींदारी था। आपने बचपन में मामूली सी तलीम हासिल की। जवान होने पर आपने काश्तकारी शुरू कर दी, मगर थोड़े अरसे बाद आपने ये काम छोड़ दिया और एक सालह मर्द की सोहबत में रह रह कर ज़िक्र व फ़िक्र करने लगे। जूं जूं आप ज़िक्र व फ़िक्र की तरफ माइल हुए, आपका दिल दुनिया से चाट हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, कुछ अरसा सियारो सियाहत करते रहे, आखिरकार आप इस जगह पर क़याम पज़ीर हुए। आपका मज़ार है। इन दिनों यहाँ इर्द गिर्द खेत थे, यहाँ तक कि जिस जगह आपने डेरा लगाया, ज़मीन के मालकों ने आपको उठाने की बहुत कोशिश की, मगर एक रात इन्हें ख्वाब में इरशाद हुआ, ये अल्लाह का फ़कीर है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। आखिर उन्होंने मुखालफत तर्क करके आपको यहाँ रहने दिया। 69 साल का अरसा आपने अपनी क़्यामगाह पर गुजारा, आपने बेपनाह मुजाहिदा किया, आखिरी दौर में आप गिर्दोनवा में मशहूर हो गए। आपके चर्चे का सबब यह हुआ, जो शख्स आपके पास आता, आपकी दुआ से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इसकी मुराद बहुत जल्द पूरी हो जाती। इस वजह से आप पंजाबी में तुरत मुराद यानी बहुत जल्द हाजत रवाई का वसीला बनने वाले मशहूर हो गए। आपका विसाल 1829 में हुआ और आपको आपकी क़्यामगाह पर दफन कर दिया गया। आपका मज़ार शाहिरा कायदे आज़म पर बागे जना में है। एक टीन के छप्पड़ के नीचे आपकी कब्र मुबारक का तवीज़ है, जो संगे मरमर का बना है। मज़ार के साथ ही मस्जिद का चबूतरा बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द जंगला लगा हुआ है। अमीर हो या गरीब, साइकिल सवार हो या पैदल चलने वाला, हर कोई आपके मज़ार पर आकर अल्लाह ताला से आपके वसीले से दुआ मांगता है और अपनी मुराद का इजहार करता है, जो उसके दिल में होती है। अल्लाह करीम उन रहमतों के सदक़े जो उनकी कब्र पर नाजिल होती हैं, उन सब लोगों की दिली मुराद पूरी कर देता है।